प्राणी वर्गीकरण पाठ चल रहा है, फोर्थ चैप्टर है, 11th एनसीईआरटी का। आज बात करेंगे इस पाठ में कुछ सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है पाइसीज के बारे में, जिसको डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखी है। तो एनसीईआरटी में जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे जो पाइसीज है, सुपर क्लास है, एक अधिवर्ग, पाइसीज अधिवर्ग पाइसीज, इसके अंदर दो वर्ग बनाए हुए हैं। एक है कॉन्ट्रैक्टीज और दूसरा है ऑस्टिक्टीज। कॉन्ट्रैक्टीज एंड ऑस्टिक्टीज, क्वांटिक्थीज के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर साथ में इसलिए पढ़ रहे हैं, कंपेटिव स्टडी हो जाएगी, पढ़ना आसान रहेगा और साथ में ही दो क्लासेस एक साथ पूरी हो जाएगी। तो जब बात करें क्वांटिक्थीज की, तो क्वांटिक्थीज उपास्थल मछलियाँ हैं, ये अस्थल मछलियाँ हैं, ये उपास्थल मछलियाँ हैं, वो अस्थल मछलियाँ हैं। इनका मुख अग्र अंत की पार्श्व सतह पर होता है, इनका मुख अग्र अंत पर इनके बारे में बात करें तो इनके इनकी जो पूंछ है या पुच्छ पंख की बात करें, कॉडल फिन, इनका पुच्छ पंख असममित होता है, इनका कॉडल फिन या पुच्छ पंख सममित होता है। इनके पास प्लेकॉइड स्केल होती है, प्लेकॉइड शल्क होते हैं, इनके पास साइक्लॉइड शल्क होते हैं। साइक्लॉइड शल्क उपस्थित होते हैं। अब होता क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं उपास्थल अस्थल, उपास्थल यानी उपास्थियाँ, उपास्थियाँ कौन सी होती है, जो हमारे कान में जो उपस्थित है नरम हड्डी हमारे शरीर में, उसको उपास्थि कहते हैं। हड्डी जो हमारे हाथों पैरों में है, वो मेजर जो अपना स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है, वो अस्थियों का है। तो ये अस्थियों की होती है, वो उपास्थियों की बनी हुई होती है। अंत कंकाल की बात कर रहे हैं, इनके मुख जो है अग्र अंत की पार्श्व सतह पर, पार्श्व सतह नहीं लिखेंगे, अधर सतह होगी ये, पार्श्व साइड हो जाती है, अधर सतह पर होगा ये। अधर सतह मतलब नीचे वाली सतह, जैसे कुछ इस तरह से अगर मैं इनका चित्र बनाऊँ तो आपको कुछ इस तरह से बता सकता हूँ मैं। तो इनका मुख जो है अग्र अंत के अधर सतह पर होगा, लेकिन इनकी अगर बात करें ऑस्टिक्थीज की, तो इनका मुख अग्र अंत पर होता है कुछ इस तरह से। इस तरह से जो चित्र बनाते हैं वो ऑस्टिक्थीज होती है, इस तरह से जो चित्र बनाते हैं शार्क वगैरह, वो सारी क्वांटिक्थीज होती है। इनकी पूंछ सिमेट्रिकल है, आप देखें सिमेट्री है इसकी, ऊपर के नीचे की बराबर है। इनकी पूंछ असममित है, इनकी पूंछ में सिमेट्री नहीं मिलेगी। इसी तरह से अगर बात करें शल्क की, तो आपने डायग्राम जो बनाया तो कुछ इस तरह के शल्क बनाए होंगे, ये साइक्लोइड शल्क हैं जो इनकी बॉडी पर उपस्थित होते हैं, सी के आकार के होते हैं। इनकी बात करें तो इन पर शल्क दिखाई नहीं देंगे, लेकिन कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे आपके अगर सिंपल सा जैसे कोई बाल्ड है, बिल्कुल बिल्कुल गंजा है, उसके सिर पर अगर आप हाथ फेरते हैं जैसे यहाँ पर इस पार्ट पर आगे की तरफ, तो बिल्कुल स्मूथ लगेगा, जिसको अगर एक दो दिन हुए हैं तो यहाँ तो स्मूथ लगेगा, लेकिन उल्टा जब आप फेरते कैसा लगता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रफ लगता है, हाथ पे कट लग जाएंगे। तो इस तरह का स्किन इनकी मिलती है, जो एक साइड तो बहुत स्मूथ होती है, लेकिन दूसरी साइड वो स्केल्स आपको फील होती है। तो ये बात हो गई इनकी। आगे अगर बात करें तो इनमें जो गिल स्लिट्स हैं उसके ऊपर ऑपरकुलम मिलेगा, ऑपरकुलम नहीं मिलेगा यहाँ पर, इनके गिल स्लिट्स पर ऑपरकुलम अनुपस्थित
अपर कोलम कौन सा है? ये वाला। आपने जब भी मछली बनाई होगी या देखी होगी कभी, तो यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर का जो हिलता रहता है, इसके नीचे गिल्स होते हैं इनके, तो यहाँ पर अपर कोलम उपस्थित होता है गिल्स के ऊपर। यहाँ अगर बात करें, इनके टीथ भी जो है वो प्लेकोइड स्केल्स के बने हुए होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, थोड़े से इन्वर्टेड होते हैं और प्लेकोइड स्केल्स के बने हुए होते हैं, और जबड़े बहुत मजबूत होते हैं इनके। जब बात करें हम आगे, तो नर मादा दोनों ही अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें क्लैस्पर मिलता है। क्लैस्पर ये एक नर मैथुनांग है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है मेल के अंदर, और जब ये है तो इससे पता चल रहा है इनके अंदर आंतरिक निषेचन होगा। इनकी बात करें तो इनके अंदर क्लैस्पर या इसी की तरह कोई और अंग अनुपस्थित होता है, तो इस कारण इनमें बाह्य निषेचन होता है। ये अंडज होती है ऑस्टिक्टिस, ये अंडज भी होते हैं, जरायुज भी होते हैं, और साथ में अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें डॉगफिश आ जाएगा, जिसको स्कॉलडन कहते हैं, टॉर्पिडो आ जाएगी जिसको इलेक्ट्रिक रे कहते हैं, स्टिंग रे आ जाएगी, ट्राइकॉन कहते हैं, इसके अंदर लेबियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग फिशेज हैं जिनके एग्जाम्पल इनके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी। और अगर बात करें तो ये दोनों यानी जितनी भी मछलियाँ हैं सभी कोल्ड ब्लडेड है, यानी कि ये अधिक तापमान, मतलब तापमान जो है उसके अकॉर्डिंग अपने शरीर को असमतापीय इनको कह सकते हैं, तापमान शरीर का उसके हिसाब से नहीं रख सकते, कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ असमतापी। ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में दो तरह के होते हैं, असमतापी और समतापी। असमतापी जो अपने शरीर का अंदर का तापमान बाहर के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से मेंटेन नहीं रख सकते, जैसे हम लोग जो मनुष्य हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, अपने शरीर का तापमान एक निश्चित रख सकते हैं 37 डिग्री, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, हमारे शरीर का तापमान इतना ही रहता है। हम हाइबरनेशन या एस्टिवेशन शो नहीं करते, शीत निष्क्रियता ग्रीष्म निष्क्रियता शो नहीं करते, लेकिन ये असमतापी है, इनका शरीर का तापमान बाहर ज़्यादा हो रहा था शरीर का तापमान भी बढ़ जाएगा, बाहर कम हो रहा है तो शरीर का तापमान भी कम हो जाएगा। तो कुछ वो इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है जो सारी एनसीईआरटी में दे रखी है। तो यहाँ पर इस तरह से ये पाइसिस कम्प्लीट हुआ।